Good morning, the student. Today we will continue the lesson Water Bodies, lesson 5 of AVS. Okay, so student, after the water cycle, now we will do this activity. Can you name the ocean that is named after our country? And you have to find the answer of this question. Okay, and the next topic is evaporation. Okay, student. Evaporation is the process in which water gets converted into water vapor by heating. So student, evaporation कौन सा process है? एक process है जिसमें water क्या हो जाता है, किस चीज में convert हो जाता है? Water vapor में. Student, जब आप कभी भी look at here the process of evaporation, ये क्या है? यहाँ पे देखिए, water को एक क्या कर रहे हैं, पैन में रख दिया गया हुआ है. अब वो आफ्टर हीट में, स्टूडेंट, इसको हीट देने पे क्या होता है, गैस ऑन कर देने पे, इंडक्शन ऑन कर देने पे, ये पानी आफ्टर को समटाइम्स क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर बनकर उड़ने लगता है. ठीक है स्टूडेंट, तो जो वाटर क्या होता है, वेपर बनकर उड़ने लगता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. इसे आप अपने घर पे भी देखते हो, जब मम्मी आपकी क्या करती है, वाटर को बॉयल करने के लिए रखते हैं, तो वो कुछ समय के बाद क्या होता है, बॉयल होकर उड़ने लगता है, वेपर बन जाता है. सेम वो प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन. ओके, इवेपोरेशन इज फास्ट इन हॉट एंड ड्राई वेदर. सो स्टूडेंट, इवेपोरेशन बहुत ही जल्दी होता है, पानी का जो बॉयल होने लगता है वो बहुत जल्दी. कौन से वेदर में होगा, यहाँ पे देखिए, हॉट एंड ड्राई वेदर. ठंडी में ये, विंटर टाइम में ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा, बट गर्मी के सीजन में ये बहुत जल्दी होगा. ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन वेन देयर इज मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, द इवेपोरेशन प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम, देयर फोर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई क्लॉथ्स इन रेनी डेज. ओके स्टूडेंट, एंड जब हमारे जो वेदर है उसमें मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, उस समय भी ये प्रोसेस बहुत ही स्लो वर्क करता है. ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट क्या होता है, जब हम बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में कपड़ों को धोकर जब हम डालते हैं, तो क्या होता है, वो गर्मी के ये जो समर सीजन है उसके अपेक्षा क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है ड्राई होने में. ओके, इसी कारण, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. नाउ स्टूडेंट, सेकेंड प्रोसेस इज कंडेंसेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वॉटर वेपर चेंजेस इनटू वॉटर अगेन. ओके स्टूडेंट, कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें जो वॉटर वेपर होता है वो अगेन किस चीज में चेंज हो जाता है, वॉटर में ही चेंज होता है. कैसे, आप देखिए, जब आपकी मम्मा बॉयल करने के लिए पानी को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो जब आप उस बॉयल होते हुए पानी पे कोई कवर करने के लिए कोई ढक्कन उस पर ढक देते हो, ठीक है, और जब उस आप ढक्कन को क्या करते हो, उठाते हो वहां से, तो उस ढक्कन के जो सरफेस है स्टूडेंट, वहां पे पानी के ड्रॉपलेट, छोटे 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 ड्रॉप्स बन जाते हैं. ठीक है, तो वो जो वाटर वेपर था वो अगेन किस चीज में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, वो अगेन से वाटर में कन्वर्ट हो गया. इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस. द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सर्फेस ऑफ कोल्ड ट्रम्बलर ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन. स्टूडेंट, इवेपोरेशन कंडेंसेशन की प्रोसेस आप खुद से घर में करके देखेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी मम्मी की हेल्प से स्टूडेंट, ठीक है, आपको क्या करना है, एक बीकर लीजिए, कोई भी घर का आपका बर्तन है उसे, यूटेंसिल्स को आप लेंगे और उसमें थोड़े से पानी को क्या करेंगे, गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे. पानी जब बॉयल होना स्टार्ट करता है स्टूडेंट, तो आप देखेंगे उसमें से वो वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन. और उसी समय जब वहां से वेपर निकलना स्टार्ट होगा, तो आप उस पानी को क्या करेंगे स्टूडेंट, कवर कर देंगे किसी घर के प्लेट से. ओके, अब उसे जब आप कवर कर देंगे कुछ समय बाद स्टूडेंट, 5 और 10 मिनट्स के बाद, अपने मम्मा से आप बोलेंगे उस कवर को हटाने के लिए उस पे से, तो जो कवर क्या रहेगा अपने स्टूडेंट, उसमें आप देखेंगे वाटर के ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स उसपे, उस बर्तन में जो ढके रहेंगे आप उसमें आ जाएंगे. तो वो प्रोसेस क्या हो गया, वेपर से क्या बन गया, अगेन वाटर में चेंज हो गया, तो वो प्रोसेस हो गया कंडेंसेशन. ये प्रोसेस आप घर पे करके देख सकते हैं स्टूडेंट. ओके, देखिए यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स. रेन, स्नो, ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड वाटर.
स्टूडेंट हम लोग ठंडी के सीजन में देखते हैं, विंटर सीजन में देखते हैं ना, ड्यू बहुत सारे रहते हैं, ओस जब हम लोग ऊपर आते हैं घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बहुत सारा ओस रहता है, ड्यू रहता है। ओके सो वो क्या होता है, वो एक फॉर्म होता है कंडेंस्ड वाटर का। ओके नाउ स्टूडेंट स्नो क्या होता है, लुक इट हियर, वेन टेम्परेचर डिक्रीजेज वॉटर वेपर इन द एयर फ्रीज इनटू आइस एंड दीज आइस ड्रॉप्स फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल अकर इन हिली एरियाज। सो स्टूडेंट वेन टेम्परेचर डिक्रीज, जब स्टूडेंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर। ओके वॉटर वेपर, जो हमारे एटमोसफेयर में वॉटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं एयर में, वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं और वो फिर भारी होके जम के वो नीचे गिरने लगते हैं। इन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। कहते हैं ना देखिए स्नोफॉल हो रहा है, और ये अक्सर कहाँ पे होता है, हिली एरिया में, जहाँ पे बहुत ज्यादा हिली एरिया होते हैं स्टूडेंट, वहां पे ये स्नो फॉलिंग अक्सर होती है। ठीक है नाउ ड्यू स्टूडेंट, द कंडेंस्ड ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कूल सरफेस एट नाइट इज कॉल्ड ड्यू। कंडेंस्ड ड्रॉप ऑफ वाटर स्टूडेंट, जब कूल सरफेस, जब ठंडी के दिनों में हम देखते हैं क्या होता है, नाइट में जो सरफेस बाहर का बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वहां पे जो वाटर रहते हैं स्टूडेंट, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, वो छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में आप देखेंगे लीव्स पे, घर के बाहर हर जगह क्या होते हैं, ड्यू गिरे रहते हैं। ठीक है एंड वी कैन फाइंड दिस टीनी ड्यू ड्रॉप्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड ऑन द ग्रास इन अर्ली मॉर्निंग। यस स्टूडेंट अब विंटर सीजन आने वाला है, आप इस चीजों को देख सकते हैं अपने घर के बाहर, जो भी लीव्स होंगे प्लांट के एंड जो ग्रास होंगे उस पे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इस तरीके से देखिए ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो क्या होते हैं, ड्यू होते हैं। एंड स्टूडेंट फॉग क्या होता है, समटाइम्स वी सी अ थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन विंटर मॉर्निंग दैट हाइड्स थिंग एट अ नियर डिस्टेंस, दिस थिक लेयर इज कॉल्ड फॉग। स्टूडेंट विंटर सीजन में क्या होता है, देखिए सी अ थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट हो क्वांटिटी में हमारे आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हम अपने आसपास की चीजों को भी अच्छे से देख नहीं पाते हैं, सब बहुत ब्लर हो जाता है। देखिए इस तरीके से विंटर के सीजन में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हमें आसपास की कुछ चीजों को नहीं देख पाते हैं, अपने नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं, इतनी ज्यादा क्या हो जाते हैं वहां पे फॉग हो जाता है स्टूडेंट, वही फॉग होता है। ठीक है अब स्टूडेंट फॉरेस्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, व्हाइट फ्रोजन ड्यू ड्रॉप इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट जो व्हाइट कलर के ड्रॉप्स होते हैं ड्यू के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं। ठीक है अ कंसिस्टेंट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट कॉसेस फ्रॉस्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर होता है जो और नीचे होते जाता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है वो जम जाता है वहां पे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जम जाते हैं, उसे हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं। अवर अर्थ इज कवर्ड विथ 3/4 ऑफ अ वाटर, ओनली 1/4 ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। सो स्टूडेंट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस लेसन, हमारे अर्थ जो है स्टूडेंट वो कवर है 3/4 ऑफ वाटर से। यहाँ पे देखिए मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, समझ लीजिए ये हमारा अर्थ है और इसके कितने मैंने 4 पार्ट्स किए, 1, 2, 3, ये 3 पार्ट्स पूरे कवर हैं किस चीज से, वाटर से, 1 पार्ट्स लैंड है ओनली। ओके ये 3 पार्ट्स क्या है, वाटर है, जिसमें से स्टूडेंट ओनली 1/4 इस पार्ट से अभी केवल 1/4 पार्ट्स क्या है अवेलेबल है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एंड जितना भी वाटर है सब क्या है, वाटर तो है बट स्टूडेंट वो साल्टी वाटर है, इसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते। ठीक है ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन द रिसोर्सेज फॉर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर आर डिक्रीजिंग। एंड स्टूडेंट इस समय हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, हमारी जनसंख्या दिन पे दिन क्या कर रही है, बढ़ते जा रही है। देख रहे हैं आप, पहले हमारे घर के आसपास में बहुत कम घर हुआ करते थे बट अब बहुत ज्यादा डेंस हो रहा है पूरा एरिया। ओके क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है लोग बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है दीज इसलिए हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ही जल्दी डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आप समझिए, जैसे कि आप हैं एक लोग हैं हमारे घर में, उन्हें 8 ग्लास वाटर ड्रिंक करने के लिए चाहिए। जब हमारे घर में नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज होते जाएंगे 2, 3, 4, 5
नंबर ऑफ पीपल होते जाएंगे तो उन्हें और भी ज्यादा वाटर की जरूरत होगी। इससे क्या होगा, वाटर धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, देयर आर सम एरियाज वेयर पीपल हैव टू वॉक फॉर मील्स टू ब्रिंग अ पॉट फुल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एंड स्टूडेंट, इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को कई कई मील क्या करना पड़ता है, पैदल चलकर जाना होता है एक पॉट, एक घड़े में या एक पॉट ड्रिंकिंग वाटर लेने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड यूज इट वाइसली सो दैट एवरीबडी मे गेट एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर यूज। सो स्टूडेंट, इस लेसन में हमने देखा हमें वाटर क्या करना चाहिए, बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए, जिससे कम वाटर में भी हमने अपनी सारी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर लें और वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे ये सभी लोगों के लिए क्या हो जाए, यूजफुल हो सके। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, इट इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। नाउ आप सोचिए और बताइए, मेन सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ क्या है स्टूडेंट, रेन है। ओके, रेन पे टिक करेंगे। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लेन्स माउंटेन वैलीज, ये आप सोचकर मुझे बताएंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक, इवोपरेशन इज फॉस्टर ऑन अ रेनी डे, विंडी डे या हॉट डे, ये अभी तुरंत मैंने पढ़ा है। इवोपरेशन सबसे ज्यादा फास्टर कब होता है स्टूडेंट, थिंक। एंड द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर अगेन चेंज हो जा रहा है वाटर में, मैंने बताया था अभी तुरंत। इसमें से क्या होगा, खुद से आप देखिए स्टूडेंट, इसे सोचिए। नाउ द यहाँ पे क्या है, ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ स्टूडेंट, इसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।